अब आपके शहर इलाहाबाद में ड्रीमलैंड पार्क की तरफ से पहली बार देश विदेश के सामान व झूले के एग्जीबिशन प्रदर्शनी GGIC स्कूल मैदान पत्थर गिरजा नियर कॉफी हाउस सिविल लाइन इलाहाबाद। जैसे परेशान छात्रा ने आत्महत्या की दी चेतावनी। एक महीने से है मामला दर्ज, जेई का ऑडियो हुआ वायरल। ADG ने SSP को जल्द कार्रवाई का दिया आदेश। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इलाहाबाद में फेल होता दिख रहा है। इलाहाबाद की एक छात्रा ने छेड़खानी से परेशान होकर आत्महत्या करने की चेतावनी दे डाली। पीड़ित का कहना है कि FIR हुए एक महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, उसके बावजूद भी पुलिस आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। छात्रा ने बिजली विभाग के जेई के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आरोपी जेई का ऑडियो भी वायरल हुआ। मामला दर्ज होने के बाद छात्रा को धमकी भरे फोन आ रहे हैं। इंसाफ ना मिलने पर छात्रा ने आत्महत्या की बात कही है। उधर ADG सावत ने एक लेटर जारी करके SSP को जल्द कार्रवाई करने की बात लिखी है, लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि एक महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन का इतना लचर रवैया क्यों देखने को मिल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार अब खुद सवालों के घेरे में घिरती नजर आ रही है। ताजा मामला इलाहाबाद का है, जहां की छात्रा पर दबंग जेई ने छेड़खानी की, उसके बाद जब उसका ऑडियो वायरल हुआ और मामला दर्ज हुआ, अब छात्रा को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इंसाफ के लिए पिछले एक महीने से भटक रही छात्रा बेबस है और घर में कैद होकर रह गई है। बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रही है। छात्रा ने बताया कि बिजली विभाग के एक जेई के ऊपर मीटर चेकिंग करने के नाम पर मोबाइल नंबर हासिल करके अश्लीलता भरी बातें की छात्रा ने वॉइस रिकॉर्डिंग करके पुलिस अधिकारियों को दिखाया, जिस पर पुलिस ने जेई के खिलाफ छेड़खानी व धमकी का मामला दर्ज कर लिया है। छात्रा की माने तो चौफटका विद्युत उपखंड के जेई अरविंद कुशवाहा महीने भर पहले धूमनगंज के प्रीतम नगर स्थित एक घर में बिजली मीटर चेकिंग करने गया था। वहां जेई ने मीटर गड़बड़ी की बात कहते हुए घर में मौजूद छात्रा को से कार्यवाही की बात कही। बहाने से छात्रा का मोबाइल नंबर हासिल कर लिया। छात्रा का आरोप है कि उस दिन के बाद जेई लगातार फोन करके परेशान करने लगा और उससे अश्लीलता भरी बातें मैसेज भेजना शुरू कर दिया। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो जेई ने उसके माँ बाप को जेल भेजने की धमकी दी देनी शुरू कर दिया। उसके बाद छात्रा ने जेई का वॉइस रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद छात्रा ने पूरा परिणाम के साथ पुलिस अधिकारियों को से मिलकर जेई की शिकायत की। महीनों के चक्कर लगाने के बाद जब छात्रा को न्याय नहीं मिला तो उसने अब आत्महत्या की बात कही है। मंडल के ADG जोन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए SSP को लेटर जारी कर मामले की जल्द कार्रवाई का आदेश दिया है। आइए सुनते हैं क्या कहना है पीड़िता का। एक महीने के ऊपर का वक्त हो गया है, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है जी। अलग अलग नंबर से फोन आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हो? पिछले एक महीने से ज्यादा हो गए, मैं इतना ज्यादा चक्कर लगा के परेशान हो गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ तक कि मैं सबसे पहले FIR करने धूबनगंज थाना वहाँ गई, उसके बाद वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं SSP ऑफिस गई। वहाँ पे जाने के बाद भी 2 हफ्ते लगातार मैं जाती रही, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ तक कि उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो लोग लगातार मोहल्ले में लोगों को मेरे भेज रहे हैं। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं घर में खुद बंद करके रह रही हूँ। मुझे लग रहा है कि अपराधी मैं ही हूँ, सारा जो कुछ किया सब मैंने ही किया है, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष अपराधी मैं हूँ जी। ये चौफटका के हैं अरविंद कुमार जेई नाम है इनका, और इनके साथ में जो है ब्रिजेश यादव, ये दोनों मिलके दो व्यक्तियों को जो खास हैं आदिल खान और मुकेश दुबे, इन दोनों को मेरे घर में भेजा करते हैं और मोहल्ले में मेरे करेक्टर के बारे में उन्होंने उंगली उठाई है। इससे मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे अलग अलग नंबर से फ़ोन भी करते हैं जी जी। कल रात को मेरे पास जो है कई अलग अलग रॉन्ग नंबरों से फ़ोन आया था, मैंने पिक नहीं किया, मैंने उसको ब्लैक लिस्ट में लगा दिया। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ, घर से निकलना तो मेरा बंद था, अब तो लग रहा है मैं मोबाइल वोबाइल सब छोड़ दूँ। अब ऐसे इतना मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि ऐसा ही चलता रहेगा तो मुझे आगे कोई गलत कदम उठाना पड़ेगा और इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन ही होगा। क्या उठाएंगे आप, क्या करेंगे? मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं ये लोग। आप क्या चाहती हैं?
मैं चाहती हूँ इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इन्हें गिरफ्तार किया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए, इन्होंने जो पूरे मोहल्ले में मेरा नाम बदनाम किया उसके लिए। सरकार योगी सरकार है, ऐसे में बेटी बचाओ का नारा है इनका जी, आप भी एक बेटी हैं जी, आपको नहीं लगता ये नारा कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है? ये जो नारा है मुझे तो लग रहा है एक स्लोगन है, स्लोगन बन के जैसे किताबों में रहता है वो किताबों में बन के ही रह गया, इसे कोई प्रैक्टिकल रूप से किया नहीं गया है, बस इसे बना के और सजा दिया गया है सिर्फ। केस कायम हुआ है तो जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसमें शीघ्र कार्रवाई करें और कृत कार्रवाई के संबंध में एक सप्ताह में अवगत करें, ठीक है? तो इसमें जो है एक लेटर जारी कर दीजिएगा और कॉपी एसपी सिटी को और सीओ धूमनगंज को कर दीजिए। लेकिन यही उसको परेशान कर रहा है, वीडियो ऑडियो भी वायरल हुआ है और अब वो इतना परेशान हो गई है कि वो सुसाइड करने पर की बात कह रही है, तो क्या इस पर कब तक कार्रवाई की जाएगी और क्या इस पर अब तक कार्रवाई की गई? जो प्रकरण अभी अभी आप लोगों ने संज्ञान में लाए हैं, वास्तविकता है कि मेरे संज्ञान में तो ये प्रकरण नहीं था, लेकिन तत्काल मैंने एसएसपी साहब से बात किया और इसमें उनके संज्ञान में प्रकरण है, उन्होंने इसमें एफआईआर भी दर्ज कराया था और कार्रवाई करा रहे हैं और शीघ्र इसको हम लोग मॉनिटर करेंगे कि इसमें कार्रवाई जो भी सही कार्रवाई है पुलिस द्वारा शीघ्र किया जाए। सर बेटी बचाओ का नारा है मोदी साहब का भी, योगी साहब का भी, ऐसे में एक बेटी बहुत दिनों परेशान है, इसमें ये माना जाए कि एक हफ्ते के या तीन चार दिन के अंदर शीघ्र इसमें कार्रवाई कराएंगे, जो भी उचित कार्रवाई होगी शीघ्र। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को